समर सीजन एक्सटेंड मार्च टू मे ड्यूरेशन ऑफ अ डे डे नाइट्स डेगर शॉर्टर नाइटर सनसेट नॉर्मली एन ए ट्वेंटी तक हो जाता है सनराइज भी अर्ली मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक तक हो जाता है समर्स में समर्स समर्स टेम्परेचर ड्यूरिंग द सीजन हाई टेम्परेचर प्रिवेलिंग ओवर प्लेन्स ऑफ इंडिया प्लेन्स ऑफ इंडिया

रीजन ड्यू टू लैंड लॉकडीशन अमृतसर इज अवे फ्रॉम शिवालिक्स एंड वाटर बॉडीज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन विंटर्स में टू कोल्ड होता है समर्स में हॉट रहता है ठीक है ना और कोई चले हाँ so the highest range of temperature has experienced in a rajasthan a range of temperature means a maximum and a mi uh, minimum difference between the maximum and a minimum temperature is a range of temperature so the highest range of temperature recorded in a rajasthan daytime temperature has experienced a 45 plus and a nighttime time has less than 20 degrees celsius so range of temperature 20 to 25 degree difference that a day or night Okay. be can carry is yes

डेजर्ट्स और राजस्थान एक्सपीरियंस द हाइस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर रीजन यस अपरन वाइज़ राइट टू एक्सप्रेशन डोंट वायलेट द अपर फंडामेंटल राइट यस वेट 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 वेरी गुड आप भी सही हैं आपने भी आदित्य वाली सेम बात की ये सही है आप भी अच्छा लू लास, लास, ठीक है और कुछ कहना है कुछ लू हैजिंग ड्यूरिंग द समर्स व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द दीजन मैंने जनरलाइज कहा राजस्थान में एज अ जनरलाइज रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई मिलती है सही है ये दोनों सही है आप भी सही है, लास दिव्या। लास दिव्या। है होता वर्टिकल होता है अब अब वो स्लांटिंग हो गया है अच्छा, yes, हाँ जी वो मूवेबल होती हैं। जैसे करती हैं, वैसे-वैसे में मूवमेंट होती रहती है सो जो वाटर जो हीट की कंसेंट्रेशन है एक जगह नहीं रहती इट दैट्स ट्रांसफर्स द वाइडर बॉडीज टेक्स द लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस बट देअर ऑपोजिट Land surfaces they are heated in a suddenly and it cools down in a sudden way. In nighttime, as Aditya and when the night time, earth releases the heat, that heat which absorbed during the daytime, that process is known as what we call to a dead process in which the nighttime land releases the heat which absorbed during the daytime. This process is known as what we call to a dead process in which land releases the heat in nighttime.

नेक्स्ट टाइप्स ऑफ विंड्स ब्लोइंग दिस सीजन आप कुछ कह रहे थे दे दे आर देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर युग वहां चले जाए आपको फ्लू हो जाएगा जल्दी ठीक है ना टेम्परेचर कोल्ड सडनली होगा वी आर नॉट हैबिचुअल जैसे फॉर एग्जांपल जब विंटर स्टार्ट होते हैं हमें कोल्ड हो जाता है जनरली ठीक है ना समर्स का एंड होता है विंटर और उस एरिया में पीपल देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस रेजा uh, okay, yes. लॉज तो मैं यहां हूं वहां नहीं हूं मुझे फिर बाहर ढूंढ रहे हो आप मैं यही हूं आगे मुझे पीछे नहीं ढूंढना बाहर नहीं ढूंढना ठीक है से? कोई क्वेश्चन बताओ यस साउथ टू नॉर्थ नेक्स्ट हाँ जी साउथ टू नॉर्थ काल बैसाखी हाँ सब में होती है समझ आ गया क्योंकि कोल्ड होता है कोल्ड वेदर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डेवलप होता है इस कारण विंड्स की मूवमेंट नॉर्थ टू साउथवर्ड होती है पर समर्स में साउथ से नॉर्थवर्ड होती है जब लो एटमोसफेरिक प्रेशर प्लेन्स में होता है यही कहा शुरू में शुरू में आपको का विंड्स मूविंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया चले आगे वेरी गुड काल बैसाखी फर्स्ट टाइप ऑफ विंड्स ब्लोइंग इन अदर सीजन समर सीजन काल बैसाखी व्हिच हैज कॉज एज अ साइक्लोनिक रेनफॉल साइक्लोनिक रेनफॉल इन अप्रैल एंड मई साइक्लोनिक रेनफॉल इन अप्रैल एंड मई K W -A, a L B A I S A K H I वेरी गुड काल बैसाखी स वाई वी कॉल दिस इज एस अल बैसाकी शू टर्म दी गई बुक में लिखा हुआ ये लाउथ वेस्टर्न पंजाब राजस्थान एंड हरियाणा को सॉरी हॉट एंड ड्राई विउथ वेस्टर्न पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान लू साउथ वेस्टर्न पंजाब पंजाब फिर आपने कहा पंजाब ठीक है थर्ड मैंगोशार्स ढूंढते रहो ढूंढते रहो मैंगो शावर्स हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग साउथ वेस्टर्न पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान मैंगो शावर मैंगो शावरियर विद शावर मे एंड जून चलिए नेक्स्ट मैंगो गो शावर्स एम ए एंड जी ओ एस एच ओ डब्ल्यू आर रेजा मिल गया फाइव मिनट्स मोर ओके सो कंडीशन साइक्लोनिक कंडीशंस साइक्लोनिक कंडीशंस व्हिच रिजल्टेड एज अ रेन इन अ

mangoes are naturally ready for the harvest ripening r i p e n i n g ripening of mangoes clear vanshika nagpal हां जी <laughs> आप कहां से आए हैं इंडिया में <laughs> आप आप अफ्रीका से आए हैं छोड़ दो नेक्स्ट आई यस मैंगोशस फिनिश नेक्स्ट सीजन एडवांस यस रह गया आप हमारे यस yes, पूरा करो काल बैसाखी कंप्लीटली स्टैंड नेक्स्ट सीजन इज एडवांसिंग मॉनसून सीजन और रेनी सीजन विद जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर वेरी गुड गर्ल काल बैसाखी जो भी पता बताओ इसको काल बैसाखी क्यों, क्यों कहा जाता है क्यों कहा जाता है जनरली दीज आर ओरिजिनेट इन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है रीजा आपकी आपके पास बुक है आपके पास इनफ़ टाइम था दस पंद्रह मिनट मिल गया आपको रीजा। रीजा, पूरा पीरियड नहीं है आपके लिए क्यों कहा जाता है इसको काल बैसाखी क्यूगा कोई और टर्म क्यों नहीं दी गई बैसाखी तो बहुत अच्छा टाइम है हार्वेस्टिंग ऑफ वीट पर फिर भी काल कहा जाता है के काल, काल मीन्स डिस्ट्रक्टिव कैलैमिटी उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा डिस्ट्रक्शन के लिए डिमोलिश रूइ आर सिन हा वो बताएंगी क्यू 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 वेरी गुड ड्यू टू दंडर स्टॉम्स द हार्वेस्टिंग ऑफ अ वीट हैज इफेक्टेड इफेक्टेड डिस्ट्रॉइड कंप्लीटली नहीं इफेक्ट होता है उसके ऊपर Green's day becomes as a darker. If the green day becomes as a darker, nobody it will be as a purchase quality deprived. Sit down, quality deprived. next advancing monsoon season or rainy season, which has begins in June, July, August, September. Duration is a June, July, August, September. During this season, days are similar as the. Days are the longer, nights are the shorter. Nights are shorter. Reason because vertical Sundays are followed over a cancer June, month of June, 21st June. This state is known as a summer solstice. So that's why days still as the longer and nights are the shorter in this season. Summer solstice. S O L S T I C E. Clear? Solstice. Next. During this season. फॉल इन चर एक्सपीरियंस इन इंडिया फॉल इन टेम्परेचर जो टेम्परेचर जून के मंथ में 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है 46 तक में जाता है उसमें डिक्रीज आता है वो 35 तक लो हो जाता है इस सीजन के अंदर ठीक है ना ड्यूरिंग दिस सीजन इंडिया हैज रिसीविंग एस अ रेंज थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून विंडलीज साउथ वेस्ट मानसून विंड दे कॉज एज इन इंडिया प्लेन्स का एवरेज टेम्परेचर पर्टिकुलर नहीं है हर स्टेट का डिफरेंट है ठीक है ना कंट्री का एवरेज टेम्परेचर नहीं है क्योंकि साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मॉडरेट वेदर कंडीशन है नॉर्थ में एक्सट्रीम है आप वेदर ले ही नहीं सकते टेम्परेचर आप ले ही नहीं सकते सम विंटर्स uh, में जो टेम्परेचर आपका पंजाब का लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस चले जाता है उसका जो मिनिमम जीरो होता है इलेवन डिग्री सेल्सियस उसका मैक्सिमम डे टाइम होता है उसमें से कैसे आप ट्वेंटी टू कैलकुलेट करोगे हाँ, अभी चल रहा है, करंट में इसलिए कहा टेम्परेचर नहीं हो सकता रेनफॉल हो सकती है नेक्स्ट ड्यूरिंग दिस सीजन टाइप आई ओवर अं मूव फ्रॉम मूव फ्रॉम सी टू लैंड Sea breezes, clear Riddika Singla. Sea to land. Sea breezes, they resulted as a rain in India, which are known as a southwest monsoon winds. When southwest monsoon winds are approaching towards India, they are bifurcated into the two parts. They are bifurcated into the two parts. Two parts. Arabian Sea branch, these are the types of winds. Arabian Sea branch, second as a Bay of Bengal branch. Bay of Bengal branch. Bay of Bengal branch. Bay of Bengal branch. Clear? Let's start of first Arabian Sea branch of a monsoons. Arabian Sea, the expected time of a monsoons in India. Monsoons in India is a first week of a

घाट्स आर ऑल्सो नोन एज वेरी गुड सहय सद्रीज दर्ड साइट ऑफ दयाद्रीज सयाद्रीज जिसके पास यूज कर लिया विंडवर्ड साइट ऑफ द सहयाद्रीज एक्सपीरियंस एज एक्सेव रेन थ्रू द साउथ वेस्ट मॉन्सून विंड एस कंपेयर टू द डैश एज कंपेयर टू द डैश

स्कार्स वेजिटेशन एंड रेनफॉल कंपैटिबली डा विंडवर्ड साइड्स आफ़ वेस्टनगार्ड्स मैं कह रहा हूँ विंडवर्ड साइड्स आफ़ वेस्टनगार्ड्स कॉस एस अ प्रेंटी ऑफ़ अ रेनफॉल ड्यूटी ऑफ़ एक्जिस्टेंस ऑफ़ वेस्टनगार्ड्स जब ये ड्राइविंस ड्यूसी साइड जाते हैं दे डू नॉट कॉस एस

वहां हम आए नहीं अभी वहां तो आए नहीं अभी ये दूसरी ब्रांच है पहले ही इधर ठीक है ना यस रिकाचन आपने सुना नहीं विंड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स व्हेन दे आर स्ट्राइकिंग ओवर अ वेस्टर्न दे कॉज रेन इन अ विंडवर्ड साइड इन एरियाज में रेन होती है कंपैरेटिवली सच पार्ट्स विंडवर्ड साइड्स ऑफ अ वेस्टर्न गार्ड रिसीव द मोर रेन कंपैरेटिवली लीवर्ड साइड जो उसकी ऑपोजिट साइड है महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट्स में रेन कम होती है उसके कंपैरेटिवली बॉम्बे में गोवा में केरला के कोस्टल पार्ट्स में रेन ज्यादा होती है रीजन वेस्टर्न गार्ड्स की एग्जिस्टेंस विंड्स आर स्ट्राइकिंग ओवर वेस्टर्न गार्ड्स एंड कॉज अ रेनफॉल हाँ जी रेन होती है ठीक है चले आगे अनदर पार्ट ऑफ अरेबियन सी ब्रांच इट एंटर्स इन सौराष्ट्र गुजरात सौराष्ट्र

ये जब डेजर्ट को क्रॉस करती हैं टेम्परेचर हाई होने के कारण वो जो मॉइस्चर कंटेंट वो इवेपोरेट हो जाता है विंड के अंदर जो मॉइस्चर है ह्यूमिडिटी है वो उड़ जाता है इवेपोरेट हो जाता है राजस्थान हवा रुक जाएगी हवा तो बहती रहेगी नथिंग मैंने यही बताया क्लियर दिस इज द रीजन

अमृतसर तरनतारन अमृतसर में एक, एक्सट्रीम वेदर होता है कारण क्या है दिस इज अ लैंडलॉक एरियाज माउंटेन से दूर है ठीक है तरनतारन अमृतसर फिरोजपुर मोगा मानसा बठिंडा दे आर एक्सपीरियंसिंग एज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड लो रेनफॉल क्लियर हियर जालंधर सेंटर में है नेक्स्ट

These winds, when they are approaching towards the northeastern states, northeastern states, they are obstructed by the Himalayas. <laughs> Himalayas at their north, at their east are the Purvanchal Hills are there, Patkai Boom, Naga Hills. They obstruct the path of a southwest monsoon winds, the Bay of Bengal branch of monsoons. Bay of Bengal branch of monsoons. Then they took as a westward turn.

इसीलिए वन थाउजेंड से ज्यादा रेन होती है वहां yes. यस